आप सबके हृदय में स्थित माँ कात्यायनी को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ कात्यायनी आपके जीवन की समस्त समस्याएं हल करें। नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। कत नामक एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, उनके पुत्र कात्य थे और उनके ही वंश में, उनके ही गोत्र में बहुत ही प्रसिद्ध कात्यायन ऋषि हुए। उन्होंने ही माता की उपासना की, बहुत कठिन तपस्या करके उन्होंने माता को पुत्री रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। माता ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया और सर्वप्रथम ऋषि कात्यायन के द्वारा पूजित होने की वजह से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवासुर संग्राम में जब ऋषि ने सप्तमी अष्टमी नवमी में माँ कात्यायनी का पूजन किया तो दसवीं के दिन माता ने महिषासुर का वध किया। माता के पूजन से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, यह माता का रौद्र रूप है। माँ कात्यायनी का जो ध्यान मंत्र है वह इस तरह है, चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शोम दद्या देवी दानव घातनी। इनके जाप या हवन के लिए जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै ओम कात्यायनी देव्यै नमः। कम से कम 13 माला जाप इनकी आप करें और हवन भी करें इनका। शत्रु भय से मुक्ति आपको पाना है तो आप काले हकीक की माला से इन मंत्र का जाप करें। अन्य कार्यों के लिए आप रुद्राक्ष की माला से जाप या हवन कर सकते हैं। जो ऋषिगण होते हैं, योगी जन होते हैं, जो षटचक्र की साधनाएं करते हैं, उनके लिए यह दिन होता है आज्ञा चक्र की साधना का। आज्ञा चक्र जो हमारे तीसरे नेत्र में होता है उसकी साधना की जाती है, इससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जिन बच्चों का विवाह होने में परेशानियां हो रही है, अड़चने आ रही हैं, उनके लिए माँ कात्यायनी का पूजन अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए बहुत विशेष मंत्र है, वह मैं आपको बता देता हूँ। विवाह के लिए जो माँ कात्यायनी का मंत्र है वह है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य अधीश्वरी नंद गोपाल सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र से माता का जाप करें, हवन करें, इससे आपके विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारे सनातन धर्म के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनमें कुछ विशिष्ट प्रयोग दिए गए हैं। जैसे हेमाद्री नामक ग्रंथ में अश्विन शुक्ल षष्ठी को जब ज्येष्ठा नक्षत्र पड़े, जैसे कि कल 1 अक्टूबर को 3:12 तक ज्येष्ठा नक्षत्र है, उस काल में जो बिल्व पत्र है, बेल का जो वृक्ष होता है, उसको निमंत्रण दिया जाता है और इसका उपयोग फिर सप्तमी को किया जाता है। सप्तमी को उस पेड़ को की जो टहनी है जिसमें फल लगे होते हैं वो माता को चढ़ाई जाती है। इस प्रकार के प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए जिससे हमारे जीवन की समस्त समस्याएं हल। आज मैं आपसे एक और विशेष मंत्र साझा कर रहा हूं। आसाम प्रदेश में कामाख्या प्रदेश में माँ कामाख्या का विशेष मंदिर है। माँ कामाख्या का जो विशेष मंत्र है वह मैं आपसे साझा कर रहा हूं, क्षाम ओम ओम वशठ। इस मंत्र से आप माता कामाख्या को प्रसन्न कर सकते हैं। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ प्रसाद रूप में जो कपड़ा और पानी मिलता है वह बड़ा सामर्थ्यवान होता है, समस्त समस्याओं को आपके जीवन के हल करने में योग्य होता है। तो आप जब कभी भी जाएं तो वहां से उस प्रसाद रूप में उन चीजों को प्राप्त करें। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नित्य जो नई जानकारी है वो आपको मिलती रहे। अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें दें। धन्यवाद।